साथियों, गोवा मुक्ति दिवस हम लोग 18 दिसंबर को मनाते हैं। तो क्या हुआ था कि आज ही के दिन यानी कि 18 दिसंबर भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक गोवा समुद्र के किनारे बसी इस जगह की खूबसूरती का आनंद लेने विदेशी सैलानी और भारत भी पहुंचते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि जब हम आज़ाद भी हो गए थे तो ये गोवा हमारे पास नहीं था और गोवा को पुर्तगालियों से 1961 यानी कि 18 दिसंबर 1961 को आज़ाद कराया। करीब 36 घंटे चले सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन विजय रखा गया। इस अभियान में भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के हमले शामिल थे और गोवा पर लंबे वक्त तक पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 सालों तक राज किया, यानी अंग्रेजों ने पूरे भारत पर राज कर लिया लेकिन गोवा पर, कहते हैं गोवा वहाँ के राजकुमार को कुछ ऐसा दहेज में दिया था, कुछ अंग्रेजों ने उसे छोड़ रखा था। तो अंग्रेजों से तो हम स्वतंत्र हो गए लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा बरकरार रखा था। फिर गोवा के आज़ादी की मांग तेज हुई और आंदोलनकारियों ने 1954 के मध्य में दादर और नगर हवेली पर कब्जा कर लिया और वहां भारत समर्थक प्रशासन की स्थापना की। पुर्तगालियों के साथ असफल वार्ता और असंख्य कूटनीति प्रयासों के बाद सैन्य हस्तक्षेप एकमात्र विकल्प था और भारतीय सैनिकों ने 19 दिसंबर को गोवा क्षेत्र को फिर संगठित किया। अपदस्थ गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण कर प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए कि भाई मैंने इसको दे दिया। इस प्रकार आज़ादी मिलने के 14 साल बाद गोवा हमारे देश का हिस्सा बना। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जब भारत पर मुगल राज था उस दौरान मार्च 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने शहर पर आक्रमण किया था और गोवा बिना किसी संघर्ष के पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। 1510 में पुर्तगालियों ने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा किया लेकिन 19वीं शताब्दी के आखिरी तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली और अंजो देवा द्वीप तक ही सीमित रह गया। तो फिर गोवा हमारे देश का एक हिस्सा बन गया। इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएँ।